सर्विस जी, बैलेट वर्क्स इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर्विस, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा और आपका अभी तक का अनुभव, आप राजनीति में कब से हैं? देखिए, नाम मेरा सर्वेश अंबेडकर है और कन्नौज जनपद में एक गांव काजीपुरवा है, वहाँ का बहुत ही गरीब मजदूर परिवार में मैं पैदा हुआ था। हमारे पिताजी मजदूरी करते थे और राजनीति की शुरुआत हम ही से है, मेरे परिवार में है। तो मैं चूँकि भारत में जो जातियों का देश है, ये अजूबा है इस देश के लिए, इसमें सबसे अछूत कही जाने वाली जाति में मैं पैदा हुआ, जिसको चमार के नाम से, जाटब के नाम से, अहरवार के नाम से, दोहरे और दुसिया के नाम से जाना जाता है क्षेत्र सबके हिसाब से। तो प्राइमरी एजुकेशन हमारी हुई तो प्राइमरी स्टेज से ही छुआछूत का शिकार हुआ, मारपीट अपमानजनक स्थिति में, यहाँ तक कि पहले मेरा नाम बलवीर सिंह था तो वो जाति उच्चता के लोगों ने मेरे घर वालों को धमकाया, मेरे साथ मारपीट की और कहा कि नाम परिवर्तित करो, ये तो छोटी जातियों का नाम नहीं हो सकता है। तो फिर मेरा नाम सर्वेश किया गया और मैं बीकर सेक्शन के लिए, जो भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जिन जातियों को जाना जाता है, तो जब मैं समझदार हुआ तो ये छुआछूत के बारे में पता लगा और कई संत गुरु महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने इस देश में, इस देश की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने प्रतिरोध किया और जगह जगह उन महापुरुषों में, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राममोहन लोहिया जी, गुरु रविदास जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी और बहुत से संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया, उनको पढ़ा और उनके बारे में प्रचार करता था क्षेत्र में। तो क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियाँ मनवाना, बहुत सारी स्टेचूस लगवाई उनके इलाके में, कन्नौज जनपद के फर्रुखाबाद जनपद पहले हुआ करता था। तो मजाक में लोग हमको, मेरे घर वाले ही शुरू किए थे, रिश्तेदार पड़ोसी और दूसरी जाति के लोग मजाक में अम्बेडकर कहते थे कि ये देखिए अम्बेडकर आया, ये देखिए अम्बेडकर आया, तो मजाक मेरी बनाते थे। तो जब ज़्यादा लोग मजाक बनाने लगे तो मैंने अम्बेडकरवादी विचारधारा पर का मैं आदमी रहा ही हूँ, तो फिर मैंने अम्बेडकर सरनेम लगा लिया अपने साथ में, सर्वेश अम्बेडकर लिखने लगा। तो मेरी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट तक है, मैं गोसाईगंज मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में पढ़ा लिखा हूँ और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI मैंने 87 और 89 में फर्रुखाबाद से किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो गरीबी का आलम था, पैसा भी नहीं था, तो TV रिपेयरिंग का काम करता था और इसके बाद में फिर TV ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए फर्रुखाबाद सुनहरी मस्जिद बागमुचा में, फिर उसका एक ब्रांच गुरसाईगंज में खोला जब थोड़ा ग्रोथ किया, महाभारत के टाइम पर जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चला करता था तो मैं ट्रेनिंग के दौरान ही एक्सपर्ट हो गया था रिपेयरिंग में और असेंबलिंग में। फिर कन्नौज में उसकी ब्रांच खोला और जो हैंडसेट आया था रिसीवर, उसकी रिपेयरिंग का पहला ठेका कन्नौज और फर्रुखाबाद का मेरे ही पास था, मैं उसको रिपेयर करता था, इतना काम आता था कि मुझे कई कई लोग लगा के काम कराना पड़ता था। तो ये सब चलता रहा, उससे बहनों की शादी करना, पिताजी की मदद से अपने घर परिवार के, तो ये सब चलता रहा। तो जो मैं सामाजिक, मेरे दिमाग में कीड़ा बैठा छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करना, क्षेत्र में प्रदेश लेवल पर रिजर्वेशन के फेवर में कि गरीब जातियों को, जो इस देश में अछूत कही जाने वाली जातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कही जाती हैं संविधान की व्यवस्था के अनुसार, तो उनका रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसके साथ बेमानी कर दी जाती है। पहले तो लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना पाए जाने पर पद अनारक्षित समझे जाएंगे, तो वो लगभग अधिकांश लोगों को अयोग्य ही घोषित कर देते थे। तो इस पर भी संघर्ष चला, आरक्षण खत्म होने की बात को लेकर चला, तो ये सब चलता रहा। इसी बीच में मानवर कांसीराम साहब आए,
उन्होंने DS4 नाम का संगठन बनाया, तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति में, तो मैं उसमें लगा। आज जो मैं मेरे पास करंट में पद है, मैं समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मुझे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो उसी पद पर अभी एक महीना भी नहीं गुजरा है लगा हूँ, अभी तो चुनाव में जाना है, तो ये सब करना है। तो हमारी जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक परिवर्तन की है, सामाजिक न्याय की हमारी पृष्ठभूमि है, जो मेरा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। और बसपा में मैं जिला अध्यक्ष से शुरुआत किया था, फर्रुखाबाद का 7 वर्ष जिला अध्यक्ष रहा, फर्रुखाबाद में कन्नौज में भी जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश का सचिव रहा, जोनल कोऑर्डिनेटर रहा, इस उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में 11-11 मंडल का मैं इंचार्ज रहा, विभिन्न भाईचारा कमेटियों में भी रहा, सोशल इंजीनियर जिसको कहा जाता है, तो ब्राह्मण भाईचारा कमेटी में मैं रहा, पाल भाईचारा कमेटी में रहा, तो इधर पूरे प्रदेश में काम किया। इसके अलावा 2 वर्ष बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में स्टेट का इंचार्ज रहा, और 2 वर्ष के लगभग उत्तराखंड में स्टेट का इंचार्ज रहा। तो अब थोड़े थोड़े समय में चुनावी दौर में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी मैं प्रभारी रहा, जैसे मध्य प्रदेश में जयपुर जोधपुर संभाग है उधर रहा पाकिस्तान बॉर्डर तक, और मध्य प्रदेश में ये जो ग्वालियर चंबल संभाग सतना रीवा ये इधर तक रहा। तो ये सब काम करते करते तो BSP को जिस मकसद को लेकर बनाया गया था, वीकर सेक्शन की बेहतरी के लिए, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, वो समाज में सम्मान कैसे पाएँ, वो कांसीराम साहब के जाने के बाद में वो सब धराशायी हो गया। जिनसे संघर्ष था वो मेरे उनसे समझौता नहीं बल्कि वो मालिक बन गए, जिस व्यवस्था से मेरा संघर्ष था उस व्यवस्था में आकर वो मालिक बन गए, और मालिक बन गए तो जो जिनका हाथ हमको मानवर कांतिराम जी ने पकड़ाया था कि अभी आपकी रहनुमाई करेंगी, उन्होंने अपने माइंड को गिरवी डाल दिया उनके पास में, और बीकर सेक्शन के अगेंस्ट में सरकार के दौरान कई सारे फैसले लिए, चूँकि हम लोग सरकार थे उस समय बोल नहीं सकते थे, बाद निकले तो फिर टिकट का बिकवाली बड़े पैमाने पर पदों को लेकर, प्रधान तक की टिकट तो उसमें पैसे चाहिए, तो जो मूवमेंट था बाबा साहब अम्बेडकर का और महापुरुषों का, उस मूवमेंट के अगेंस्ट में काम शुरू हो गया। जय भीम बस कहने भर का रह गया, केवल स्लोगन भर का रह गया, तो इसलिए बहुत सारे लोग निकाल दिए गए, हमसे भी पैसे 50 लाख रुपये मांगे गए कन्नौज सीट के लिए, तो हमने कहा मेरे बदन में खून रह गया है उसको निकाल लीजिए, बेच दीजिए बाजार में, जो पैसा है वो पार्टी में जमा कर लीजिए, और तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, 24 घंटे का मैं वर्कर हूँ। तो फिर मैंने असमर्थता जाहिर की तो मुझे निष्कासित कर दिया गया था। फिर 1-1.5 साल में सामाजिक मूवमेंट में लगा रहा, और 4 फरवरी 2017 को माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें विधुना में की चुनावी रैली में, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें मुझे अपने साथ ले लिया और शामिल करा लिया, घोषणा कर दी, और विभिन्न जगह हमको स्टार प्रचारक बना के भेजा, पूर्वांचल में के आम चुनाव में, अभी हिमाचल प्रदेश में भेजा था, चंबाजी डिस्ट्रिक्ट में चुराहा एक विधानसभा है वहाँ पर, फिर सिकंदरा में, और अभी रिसेंटली 7 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष हमको बनाया है, तो मैं उसी में लगा हूँ, संगठन को कैसे बेहतर से बेहतर बनाऊँ जिससे समाजवादी पार्टी और मजबूत हो, और आगे आने वाले चुनाव में हम फुल फ्लेस सरकार में आए। इस देश में जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दलित हिंदू के नाम पर, पिछड़े हिंदू के नाम पर लड़ाती हैं, खून खराबा करती हैं, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करती हैं, उनको उनसे कैसे लोहा लें, इस तैयारी में मैं जुट गया हूं। सर्वेश जी, हम आपके क्षेत्र के 5 ऐसे मुद्दों के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे या आपने 5 क्षेत्र में ऐसे कोई काम किए जो आपके द्वारा बात कराएंगे, 5 कामों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इंडिविजुअल जो लोग संगठन चलाते हैं वो तो अपनी प्लानिंग के तहत एजेंडा अपना तय करते हैं, लेकिन हम लोग बीइंग ए पॉलिटिशियन, एक पार्टी में रहा BSP में, तो जो BSP के द्वारा जो मुद्दे निर्धारित होते थे, उन मुद्दों में सबसे पहला था शिक्षा ही, जो अभी भी हमारा समाज बड़े पैमाने पर अशिक्षित है, शिक्षा की वजह से ग्रोथ नहीं देश की हो पा रही है, समाज की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, सही सोच नहीं बन पा रही है, 1 तो इस पर काम होना चाहिए था, उस काम को नहीं कर पाया गया, मेरी ये कोशिश रही। और दूसरे नंबर पर जब शिक्षा ही नहीं है, स्वास्थ्य का भी इंतजाम नहीं है,
बहुत सारी मर्ज गरीबी के चलते धन अभाव के कारण छोटी छोटी मर्जों में लोगों की मौत हो जाती है। तो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाना, जो सरकारी संसाधन हैं, जो भी सुविधाएं टूटी फूटी हैं, कम से कम उन्हीं का लाभ लिया जाए। तो शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा सबसे बड़ा जो रोग है इस देश में, जाति व्यवस्था का, घृणित व्यवस्था का, छुआछूत का, जो अमानवीय है, जो विश्व में के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है लेकिन भारत में पाई जाती है, उसका हर स्तर पर विरोध हो, कानूनी रूप से उसका निर्मूलन कर दिया गया है, पाबंदी कर दी गई है, लेकिन व्यवहार में आज भी देखी जाती है। मंदिरों में ना जाने देना, मिड डे मील में रसोइये से खाना ना बनवाना, बच्चों को एक साथ ना बैठने देना। अभी इलाहाबाद में घटना हुई, एक अछूत का, एक सरोज पासी समाज का नौजवान था, उसका अपने कॉलेज के लोगों के साथ पैर छू गया तो उसके पीट पीट कर हत्या कर देना। बहुत सारी जघन घटनाएं होती हैं, लोग निकलते हैं, अभी बुंदेलखंड में जब बड़े लोगों के दरवाजे से निकलते हैं तो महिलाएं पुरुष साइकिल से उतर जाते हैं, चप्पल को निकाल कर सर पे रख के निकलना पड़ता है। तो ये असमानता वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अगेंस्ट में हमारा मूवमेंट रहा है, समाजवादी पार्टी, यहाँ भी हमारा ये मूवमेंट रहेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, इस देश की तरक्की की कल्पना करना बेमतलब है, कोई उसका मकसद नहीं है। तो और इसके अलावा जो सांप्रदायिकता फैली हुई है, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। सांप्रदायिकता जो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जब जब आती है तो वो हिंदू धर्म खतरे में डाल के और 125 करोड़ लोगों का जीवन, उनका सम्मान, देश का उत्थान खतरे में डाल देते हैं। झूठ के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, अपने राम के बारे में झूठ बोलते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख आज तक नहीं बताई है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना है वो बेकार जवानी है, इस तरह उत्तेजक नारे देकर लिखकर हमारे नौजवानों को उत्तेजित किया हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए। देखिए बाबरी मस्जिद शहीद हुई, एक सामाजिक वातावरण जो भाईचारे में बना हुआ था थोड़ा बहुत, उसको तार तार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, काम करने के नाम पर कुछ भी नहीं। हाँ, मैं इतना बधाई दे सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी लोगों को कि जब से उनकी सेंट्रल सरकार है, इस बात की बधाई उनको कि उन्होंने विश्व का सबसे नंबर वन का अपना ऑफिस तो डिजिटल बना लिया दिल्ली में। इसके अलावा निर्माण के नाम पर उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, केवल गाय गोबर गंगा, जाति दंगा, इस तक वो सीमित हैं। तो इस दिशा में भी हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी, जब सरकार में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस प्रदेश से शुरुआत करके एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दे करके विकास की सीढ़ी को बहुत आगे तक बढ़ाया है और एक रास्ता खोला है कि आगे आने वाली जो सरकारें हैं वो भी इसी तरह काम करें, जिससे इस देश के प्रदेश के लोगों को जब हमारे पास आने जाने के संसाधन होंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यवसाय हमारा बढ़ेगा। अगला हमारा आपसे सवाल सर्वेश जी है, आप क्यों आता है भारत के 5 राष्ट्रीय मुद्दे जिन पर हम समाज राय और समाज चाहिए? देखिए, मैंने जो आपसे बात की है, समाज से ही, समाज के छोटे छोटे समूह जुड़ करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र की परिभाषा कोई अलग से नहीं की जा सकती है। जब तक राष्ट्र में जो हमारा भारतीय संविधान है, धर्म निरपेक्ष संविधान है, समाजवाद के आधार पर सामाजिक व्यवस्था कायम हो, इसका अधिकार, इसका आदेश हमारा संविधान देता है, तो जब छोटे छोटे अंग जुड़कर एक राष्ट्र का निर्माण होता है और उस राष्ट्र में रहने वाले लोग जब अमन चैन से ही नहीं रहेंगे, एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा हो जाएगा, तो फिर राष्ट्रवाद की कल्पना ये झूठी कोरी कल्पना है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रवाद ये कि सांप्रदायिकता का समूल नाश हो इस देश से, भाईचारा, ब्रदरहुड डेवलप हो, हम लोग चाहे जिस धर्म जाति के लोग हों, इस लेवल तक डेवलप हो कि अगर चोट इनको लगती है पैर में हाथ में तो भाईचारा इस लेवल तक हो, उसके दर्द का एहसास मुझे हो, झगड़े खत्म हो जाएंगे, देश आगे बढ़ जाएगा। अंतिम आपसे हमारा प्रश्न, इस वैश्विक प्रदर्शन में भारत को क्या करना चाहिए और किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, घूम घाम के बात वहीं पर आ जाती है। आज अरबों खरबों रुपया बीजेपी के जो कर्णधार हैं, जो मालिक बने हुए हैं, वो देश पर खर्च करते हैं, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये समस्या इतनी बड़ी हमारे देश की है कि ये मुंह बाए खड़ी हुई है
और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते बेरोजगार खुदकशी कर रहे हैं, किसान भी मर रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, और ये जब जीएसटी और जब से ये आई है और डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आदमी मर के रह गया है। तो इसलिए देश की बर्बादी विभिन्न एंगल से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। उनका तो एक ही है कि ना मरने की इजाज़त है ना जीने की है, और घुट घुट के 125 करोड़ लोग मर जाएं, यही मर्जी भाजपा की है। तो इस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, और इसकी जड़ में केवल सांप्रदायिकता है। ये जिस दिन नष्ट हो जाएगी, हमारा देश विश्व में नंबर एक पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद सर्वेश जी, हम आशा करते हैं लगातार आप इस तरीके से अपने समाज के लिए और देश के लिए काम करते रहें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।